हेलो स्टूडेंट्स, लेट्स कंटिन्यू द चैप्टर द मिडनाइट विजिटर पार्ट टू। इन द फर्स्ट पार्ट यू रीड दैट ऑजेबल वॉज शॉक टू सी मैक्स वॉज अनदर सीक्रेट एजेंट इन हिज रूम विदाउट हिज परमिशन। जो मैक्स है वो बिना परमिशन के एक लॉक्ड रूम में जो है उस एंटर कर जाता है और ऑजेबल जिसके साथ फॉलर वो राइटर भी था वो दोनों शॉक हो जाते हैं। मैक्स वो स्लेंडर अ लिटिल लेस देन टॉल विद फीचर्स दैट सजेस्टेड स्लाइटली द क्राफ्टी पॉइंटेड काउंटेनेंस ऑफ अ फॉक्स। जो मैक्स है जैस यू कैन सी इन दिस पिक्चर वो एक दुबला पतला स्लेंडर मीन्स थिन सा दुबला पतला सा एक आदमी है। Crafty means dishonest. Pointed means annoyed. Countenance means facial expressions. जो गुस्सा दिलाने वाले cunning से एक facial expressions के साथ जो एक चालाक सा वहाँ आदमी खड़ा है। And there was about him, aside from the gun, nothing especially menacing. Menacing means dangerous. जो उसके हाथ में gun है उस gun को छोड़कर कुछ भी डेंजरस नहीं था, सिर्फ वो गन ही डेंजरस थी जो उसके हाथ में थी। द रिपोर्ट ही मर्मर्ड और वो धीमे सी आवाज में कहता है कि मुझे वो रिपोर्ट चाहिए। द रिपोर्ट दैट इज बीइंग ब्रॉट टू यू टुनाइट कंसर्निंग सम न्यू मिसाइल्स एंड ऑजेबल हैड ऑलरेडी इन्फॉर्म्ड फॉलर दैट नाइट ही वुड रिसीव सम डॉक्यूमेंट्स सम इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स and now it's clear that Max entered in his room just for the documents. वो उसे वो documents ही चाहिए और वो किससे related है? Missile से related है। I thought I would take it from you and it will be safer in my hands than in yours. तेरे हाथ से ज़्यादा तेरे पास वो safe नहीं रहेंगे। Possible वो तू मुझे दे दे। फॉर मैक्स जो है वो उन डॉक्यूमेंट्स के लिए जो है कहता कि जैसे ही तुझे मिलेंगे वो मुझे दे दोगे तुम। ऑजेबल मूव टू एन आर्म चेयर एंड सेट डाउन हैवीली। जो ऑजेबल है वो वहीं रखी एक आर्म चेयर के ऊपर, एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर, उस आर्म चेयर के ऊपर। हैवीली मीन्स सोरोफुली, दुखी मन से, जैसे कुछ डिसअपॉइंटिंग सा कुछ हुआ है वहां पर, उस चेयर पर बैठ जाता है। I'm going to raise the devil with the management this time. ये अब तो जो है इस बात को जो है मुझे उठाना होगा, हमारा लड़ाई झगड़ा होने वाला है। I'm going to raise the devil की इस इशू को उठाऊंगा with the management this time. And you can bet on it. Means he was sure about that he would raise the topic. He said grimly. Grimly means seriously. This is the second time in a month that somebody has got into my room through that nuisance of a balcony. कि ये तो एक महीने में दूसरी बार हो रहा है कि मैक्स तो दूसरा आदमी है जो इस मेरे रूम में एंटर किया उस बैल्कनी से। ये जो nuisance of balcony, ये परेशानी पैदा करने वाली, nuisance means troublesome, ये जो घटिया सी परे प्रॉब्लम क्रिएट करने वाली बैल्कनी है, यहाँ से दूसरी बार कोई आदमी अंदर आया है। Fowler's eyes went to the single window of the room. और उसके रूम में एक ही विंडो थी तो वो सोचता है कि यही इसी विंडो के बाहर जो है बैल्कनी होगी, वो वहाँ देखता है। It was an ordinary window. नॉर्मल सी एक ऑर्डनरी सी एक विंडो है वहाँ पर। Against which now the night was pressing blackly. Pressing means to be visible. और क्योंकि रात का समय तो बाहर बिल्कुल ब्लैक ही ब्लैक था, तो बाहर बिल्कुल अंधेरा दिख रहा था, कुछ भी नहीं दिख रहा था विंडो से बाहर। बालकनी, मैक्स सेड वो शॉक टू हियर दैट देयर्स बालकनी। मैं एक बालकनी भी इसको पता ही नहीं था। विद अ रेजिंग इन्फ्लेक्शन, इन्फ्लेक्शन मींस अ मॉड्यूलेशन इन वॉइस, वो हैरानी वाले अपने भाव लाते हुए आवाज में वो कहता है यहाँ कोई बालकनी भी है? व्हाट आर यू सेइंग? नो अ पास की, नहीं मैं तो पास की यूज की है टू एंटर इन योर रूम, मैं तो एक डुप्लीकेट चाबी की हेल्प ली है। आई डिडंट नो अबाउट द बैल्कनी, मुझे नहीं पता बैल्कनी वगैरह के बारे में। आई मीन इट
might have saved me some trouble had I known. अगर मुझे पता होता तो मैं बैल्कनी से ही एंटर करता और ये पास की वगैरह बनवाने की कोई झंझट ही नहीं होता. इट्स नॉट माई बैल्कनी, ऑजेबल सेड विद एक्सट्रीम इरिटेशन. वो बहुत इरिटेट हो चुका है कि बिना परमिशन के कोई भी रूम में घुस जाता है. अब ये मैक्स आ गया है गन लेकर, तो इरिटेशन शो कर रहा है कि इट्स नॉट माई बैल्कनी, इट्स बिलोंग टू द नेक्स्ट अपार्टमेंट. ये साथ वाला दूसरा अपार्टमेंट है, इनकी बैल्कनी है, मेरी नहीं है. ही ग्लैंस एक्सप्लेनेटरीली एट फॉलर, और वो ऑजेबल है, वो फॉलर की तरफ अपनी इस बात को एक्सप्लेन करने के लिए जो है उसकी तरफ एक लुक देता है. यू सी ही सेड दिस रूम यूज्ड टू बी अ पार्ट ऑफ अ लार्ज यूनिट, कि एक बहुत बड़े घर का एक हिस्सा होता था ये जो मेरा रूम है ये, एंड द नेक्स्ट रूम थ्रू दैट डोर, और एक दरवाजे की तरफ इशारा करता है कि ये इस डोर से जो अगला जो रूम है वो यहाँ एक लिविंग रूम होता था, यूज टू बी द लिविंग रूम, एंड द नेक्स्ट रूम थ्रू दैट डोर, इस डोर से जाते हुए जो अगला रूम है वो लिविंग रूम होता था, और ये बैल्कनी जो है वो उसी लिविंग रूम की है. इट हैड द बैल्कनी, और ये बैल्कनी उसी रूम की है. विच एक्सटेंड्स अंडर माई विंडो नाउ, और अब वो जो है मेरी विंडो तक आती है. बैल्कनी होती है बेटा जो एरिया घर के बाहर की तरफ जो बड़ा हुआ एरिया होता है वो होती है बैल्कनी. तो वो विंडो के बाहर एक बैल्कनी है. यू कैन गेट ऑन टू इट फ्रॉम द एम्प्टी रूम टू डोर्स नाउ, आगे के दो रूम दो डोर में से जो है दोनों एम्प्टी टू डोर्स डाउन, दो डोर्स को छोड़कर जो है आगे से तुम उस रूम में एंटर करोगे, और एंटर करते ही आगे बैल्कनी में एंटर कर जाओगे, और बैल्कनी से मेरी विंडो में होते हुए मेरे रूम में. एंड समबडी डिड लास्ट मंथ, और ऐसा ही लास्ट मंथ भी हुआ था. द मैनेजमेंट प्रोमिस टू ब्लॉक इट ऑफ, मैनेजमेंट ने दैट टाइम मैनेजमेंट प्रोमिस्ड मी दैट सून दे वुड ब्लॉक इट ऑफ, कि वो इसे जल्दी से बंद कर देंगे, बैल्कनी से कोई आएगा नहीं. बट दे हैवंट, लेकिन अब तक बंद नहीं हुआ है. और अब देखो ये मैक्स आ गया है रूम में. मैक्स ग्लैंस्ड एट फॉलर, और जो मैक्स है वो फॉलर की तरफ देखता है. हु वॉज स्टैंडिंग स्टिफली नॉट फार फ्रॉम ऑजेबल, स्टिफली मीन्स सख्ती के साथ जो है स्ट्रेट सीधा खड़ा था जो, विदाउट एनी मूवमेंट, क्योंकि मैक्स के हाथ में गन है तो वो अलर्ट मोड में वहाँ खड़ा था. तो उसको बैठने के लिए वो इशारा करता है, और एंड वेव द गन विद अ कमांडिंग जेस्चर. जेस्चर मीन्स उसको इंस्ट्रक्शन दे रहा है, कि एक सिग्नल दिया उसने कि बैठ जाओ. प्लीज सिट डाउन ही सेड, वी हैव अ वेट ऑफ हाफ एन आवर आई थिंक, कि आधा घंटा लगेगा अभी, बैठ जाओ तब तक वेट करते हैं सारे तीनों मिलके. ऑजेबल ऑलरेडी बैठ चुका है तो अब फॉलर को भी कह रहा है तू भी बैठ जा. 31 मिनट्स, और ऑजेबल सेड मूडली, और ऑजेबल क्योंकि उसके घर में एंटर करके और तो वो गुस्सा है, तो एक मूडली वे में वो कह रहा है नहीं 31 मिनट्स, कि मुझे ज़्यादा पता है तेरे से. द अपॉइंटमेंट वॉज फॉर 12:30, 12:30 बजे आएंगे वो डॉक्यूमेंट्स. तो आई विश आई न्यू How you learned about the report, Max? Possible Max से क्वेश्चन कर रहा है कि काश मुझे पता चल जाए तुझे कहाँ से पता चला है कि मेरे पास कोई रिपोर्ट आने वाली है. The little spy smiled evilly, और वो छोटा सा जो स्पाई ये Possible है हल्की सी चालाकी वाली स्माइल जो है वो पास करता है, और उधर से Max अपनी बात को क्लियर करता है. And we wish we knew how your people got the report. और हम जानना चाहते तुम्हें कहाँ से मिल गई ये रिपोर्ट. But no harm has been done. ये अभी ज़्यादा कुछ नहीं बिगड़ा है, जैसे ही तुझे रिपोर्ट मिलेगी हम तेरे से ले लेंगे. I will get it back tonight. What is that? Who is at the door? Means someone had knocked at the door. किसी ने दरवाज़ा खटखटाया, और Max जो है वो shocked and he asked. Was knocking at the door. कौन है दरवाजे पर बता भाई.
Fowler jumped at the sudden knocking at the door. Fowler, जो first time, जो एक writer और first time ये ऐसा इस तरह का incident हो रहा है, वो shock हो गया कि अब ये क्या अगला turning point आ गया, अब कौन आ गया है. Ozebel just smiled. That will be the police, he said. I thought that such an important paper as the one we are waiting for should have a little extra protection. कि वो जो documents आने वाले हैं उनको मैं समझ रहा हूँ कि उनको ज़्यादा protection चाहिए, इसलिए मैंने I have already informed the police, I have already informed them. I told them to check on me means मेरी सुरक्षा करते रहे, मुझे check करते रहे मैं ठीक हूँ या नहीं हूँ, to make sure everything was all right. और इसलिए जो है पुलिस है बाहर. Max bit his lip nervously. अब Max क्योंकि वो तो वहाँ पर wrong intention से आया था, तो अब पुलिस आएगी तो उसके लिए ठीक नहीं है. The knocking was repeated. वहाँ फिर से knocking की sound आ रही है. What will you do now, Max? Ozebel asked. Ozebel अब Max से कह रहा है अब क्या करेगा भाई, फंस गया तो. If I do not answer the door, they will enter anyway. जैसे तैसे वो तो दरवाज़ा तोड़ कर अंदर आ जाएंगे, वो तो आएंगे ही आएंगे. अगर मैंने दरवाज़ा नहीं खोला, then they thought that something fishy, कुछ ना कुछ गड़बड़ है. The door is unlocked. और दरवाज़ा वैसे भी अनलॉक है क्योंकि हम अब खोल के अंदर आए थे. And they will not hesitate to shoot. वो अंदर आएंगे और तुझे शूट कर देंगे. Max's face was black with anger and he backed swiftly towards the window. और क्योंकि उसको अब पता चल गया है कि विंडो के बाहर क्या है, एक बैल्कनी है. तो अब कहता है कि गुस्सा आ रहा है उसको, अब वो धीरे से टर्न करता है स्विफ्टली, बड़े आराम से, और पीछे विंडो की तरफ जो है टर्न करता है. ही स्वंग अ लेग ओवर द सिल. और जो विंडो सिल है, एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर, वो विंडो सिल से एक लेग बाहर की तरफ लटका लेता है. सेंड देम अवे, उनको जल्दी भेजो यहाँ से, ही वॉर्न्ड. और वो Ozebel को वार्निंग दे रहा है कि चालाकी ना करे. आई विल वेट ऑन द बैल्कनी, सेंड देम अवे और आई शूट, टेक माई चांसेस. टेक माई चांसेस मीन्स टेक द रिस्क, कि मैं तुझे शूट करूंगा और रिस्क लूंगा अगर तूने नहीं ऐसा किया तो. रिस्क इन द सेंस कि अगर उसने शूट किया तो पुलिस उसको देख लेगी और पुलिस उसको मार देगी, मैक्स को. तो मैक्स कह रहा है कि अगर Ozebel तूने चालाकी की तो मैं तुझे शूट कर दूंगा और मैं ये रिस्क उठा लूंगा, चाहे भले ही पुलिस मुझे गोली मार दे. द नॉकिंग एट द डोर बिकेम लाउडर एंड अ वॉइस वॉज रेज्ड, मिस्टर Ozebel. जो बाहर था वो आवाज लगा रहा है Ozebel को. कीपिंग हिज बॉडी ट्विस्टेड सो दैट हिज गन स्टिल कवर्ड द फैट मैन, अपनी बॉडी को ट्विस्ट करता है, टर्न करता है, एंड दैट हिज गन स्टिल कवर्ड द फैट मैन. और फैट मैन कौन था? Ozebel. जो Max है वो टर्न करता है, जैसे एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर कि वो टर्न किया हुआ है, लेकिन उसकी जो गन है वो अभी भी Ozebel की तरफ ही पॉइंटेड है, वहीं उसी की तरफ कर रखी है उसने गन को. एंड हिज गेस्ट, और जो उसका गेस्ट था कौन? वो राइटर Fowler. द मैन एट द विंडो ग्रास्ट द फ्रेम. ग्रास्ट मीन्स पकड़ना. वो उसके विंडो के फ्रेम को पकड़ता है विद हिज फ्री हैंड, जो हाथ खाली था, एक हाथ में गन है, दूसरे हाथ से उसको पकड़ता है अपनी बॉडी को सपोर्ट देने के लिए. देन ही स्वैंग हिज अदर लेग अप एंड ओवर द विंडो सील, और ऐसे ही टर्न करके दूसरा पैर भी बाहर कर लेता है विंडो से. द डोर नोब टर्न, अब दरवाजा खुलता है. स्विफ्टली मैग पुश्ड, स्विफ्टली मीन्स बड़े आराम से वो अपनी बॉडी को पुश कर रहा है, क्योंकि नीचे बालकनी है ना, वो धीरे से कि बालकनी में उतर जाएगा, तो अपनी बॉडी को नीचे पुश करता है बालकनी में विद हिज लेफ्ट हैंड टू फ्री हिमसेल्फ. अपने लेफ्ट हैंड से अपनी बॉडी को फ्री करता है फ्रॉम द सिल एंड ड्रॉप टू द बालकनी, और अपने आप बॉडी को नीचे बालकनी में उतार लेता है. एंड देन एज ही ड्रॉप्ड ही स्क्रीम्ड वन श्रिली, बड़ी तेजी के साथ, हाई पिच में. श्रीली मीन्स इन हाई पिच, तेज आवाज में एकदम से चिल्लाने की आवाज आती है. द डोर ओपन्ड एंड अ वेटर स्टूड देयर विद अ ट्रे, और दरवाजा खुलता है
वहां कोई पुलिस ही नहीं थी, वहां एक वेटर खड़ा था विद अ ट्रे, अ बॉटल, टू ग्लासेस. हियर इज द ड्रिंक यू ऑर्डर्ड फॉर व्हेन यू रिटर्न. मींस जब वो फॉलर के साथ ऊपर रूम में आया था तो वेटर को ऑर्डर देकर आया था, तो वो ऑर्डर लेकर आया है. द वेटर वॉज देयर विद द ऑर्डर दैट ही हैड गिवन टू हिम. ही सेड एंड सेट द ट्रे ऑन द टेबल. Deftly uncorked the bottle. Deftly means skillfully. क्योंकि वो वेटर है वो अच्छे से जानता है कैसे बॉटल को खोलना है. उसको अनकॉर्क करता है, उसका कॉर्क खोलता है, उसकी बॉटल को ओपन करता है and left the room. और वेटर जो है he went away. White face faller stared after him. Stared means घूरना. वो भी faller जो है वो ऑजेबल को देख रहा है कि ये हो क्या रहा है. अभी तो इसने कहा था कि पुलिस है बाहर, लेकिन वेटर निकला तो अब तो मैक्स डेफिनेटली दोनों को मारेगा. बट ही स्टैमर्ड द पुलिस. वो स्टैमरिंग कर रहा है, हड़बड़ाते हुए जो है, अटकते हुए, क्योंकि स्पोक विद हॉर्न्स. वो रुक रुक के बोल रहा है कि पुलिस का क्या, जैसे तुमने कहा था. ओह देयर वाज नो पुलिस, देयर वर नो पुलिस, कोई पुलिस नहीं है यहाँ. ऑजेबल साइड Only Henry, the waiter, whom I was expecting. And Ozebel told that it was his plan that there were police. वो उसका प्लान था कि वहाँ कोई पुलिस है. But actually he knew that the waiter was outside the door and the waiter was knocking the door. वो है waiter ही है. But won't that man now out on the balcony? लेकिन उस आदमी का क्या. But won't that man out on the balcony? Faller began. अब वो शुरू हो रहा है कि वो आदमी जो अभी बैल्कनी में है उसका क्या होगा, वो तो आएगा और हमें मार डालेगा. Oh no, he won't return. You see my young friend, there is no balcony. क्योंकि बाहर कोई बैल्कनी थी नहीं. It means That man had fallen from the sixth floor. कि वो जो मैक्स था वो sixth floor से ground floor पर गिर गया है. तो जो ये story थी, क्योंकि जो ऑजेबल है he explained the story of balcony in such a way that Max was convinced. वो convinced हो चुका था कि सचमुच वहाँ कोई balcony है. But actually there was no balcony and he had fallen from the सिक्स फ्लोर एंड मे बी डाइड. मर चुका हो शायद वो. तो एक ये एक मिडनाइट विजिटर था. जो मिडनाइट मीन्स आधी रात को, और विजिटर एक अनवांटेड पर्सन. आई होप यू अंडरस्टैंड द चैप्टर. इफ यू आर हैविंग एनी डाउट एनी प्रॉब्लम देन राइट इन द कमेंट सेक्शन. थैंक्स फॉर वॉचिंग.